हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा द्विवेदी आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, और वो इन्फॉर्मेशन है जिसका आप सभी वेट कर रहे थे। जी हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और वो न्यूज़ है कि आपके असाइनमेंट्स की डेट एक्सटेंड हो गई है, और जो आपके असाइनमेंट सबमिशन की डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप जो होते हैं उसकी भी डेट एक्सटेंड हो गई है। विदाउट लेट फाइन आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी जो डेट एक्सटेंड हुई है वो है 30th of June। जी हाँ, 30th of June तक आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट लेट फाइन सबमिट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं आप लोग 30th of June तक। एंड थर्डली, जो प्रोजेक्ट सबमिशन की डेट है वो भी एक्सटेंड हो गई है, और उसकी भी डेट है 30th of June। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट कर लीजिए। और सेकेंडली जो मैं बताना चाहती हूँ, इसमें जो एग्जामिनेशन है, जो एग्जाम्स आपके होने वाले थे, अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, कोई भी फाइनल डिसीजन इग्नू की तरफ से अभी नहीं आया, ठीक है। तो किसी भी बहकावे में, किसी भी इस तरीके की फेक इन्फॉर्मेशन में मत पड़िएगा। इग्नू की तरफ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है, इसीलिए मैं जो मैंने ट्वीट किया था उसके लिए मैंने बोला था आप लोगों को कि उस ट्वीट को रीट्वीट करिए। और एक और AH हेल्पलाइन करके हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ है, दिस प्रमोट ऑल इग्नू स्टूडेंट्स, है ना। और जो मेरा हैशटैग है, डैट इज ऑल इग्नू स्टूडेंट्स शुड बी प्रमोटेड, ठीक है। तो इन दोनों को ही आप हैशटैग करके इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके स्प्रेड करिए, इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे ट्वीट को रीट्वीट करिए, सो डैट कि इग्नू उस पर डिसीजन ले, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है SOL के भी सबको डिसाइड हो चुका है, असाइनमेंट के बेसिस उनको मार्क्स मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के एंड फाइनल ईयर के होंगे ओपन बुक टेस्ट। ओके, तो सब पता है। जो मैं इग्नू की इन्फॉर्मेशन दे रही थी वो क्या थी, अभी मैंने बताया 30th June तक एक्सटेंड हो गए डेट्स। और एग्जाम्स अगर होते हैं तो उसके चांसेस देखिए, 15 days पहले इग्नू ने बोला था, जो वॉइस चांसलर से जो भी थे, ध्यान नहीं मुझे अभी, उन्होंने बोला था कि 15 days पहले हमें इन्फॉर्म किया जाएगा, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि 15 days पहले बताया जाएगा कि एग्जाम्स होंगे। तो देखिए, 30th of June लास्ट डेट दी है, तो 30th June लास्ट डेट दी है, इट मीन्स जो एग्जाम्स होंगे वो 15 July के बाद ही होंगे, जैसा मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था, ठीक है। तो इससे श्योर हो गया कि 15 July के बाद ही एग्जाम होने के चांसेस है, अगर होते भी हैं तो, ठीक है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकली है, तो आप लोग रिलैक्स होके असाइनमेंट बनाइए, असाइनमेंट सबमिट करिए, या तो आप लोग गूगल फॉर्म से सबमिट करिए या फिर मेल ID से सबमिट करिए। और इसका रीज़न ये है, इसका एक्सटेंड होने का एक रीज़न ये भी है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टडी सेंटर्स थे उनकी जो IDs थी, वो ईमेल IDs वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि उसमें काफ़ी सारा डेटा इतना जाता गया कि वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी, उसकी वजह से इग्नू को डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। और इसका जो नोटिस है वो मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। VV नेगी जी हैं जिन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने पूरा का पूरा नोटिस किया है, जिनके ऑथराइज सिग्नेचर हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी इग्नू की वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगता है, मे बी कल तक अपडेट हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ गया, आई होप आप लोग खुश होंगे कि आप लोग के अभी एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, बट तैयारी कर लीजिए एग्जाम्स की अभी तक, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया है। और आप लोग के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि तीनों चीज़ों की डेट एक्सटेंड हो गई है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी नहीं किया है वो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से सबमिट करिए असाइनमेंट्स को, ऑफलाइन ऑनलाइन गूगल फॉर्म के थ्रू किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। बस यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी जो कि मैंने दे दी। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। ये बहुत सारी जगह मैं देख रही हूँ सब कुछ ओपन हो चुका है, बाहर का सब इतना खा रहे हैं, डोंट ईट प्लीज। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल
कि अभी बाहर का बिल्कुल मत खाइए, घर की चीज़ें जितनी कोशिश हो सके उतना करिए, बाहर का अवॉइड करिए, ठीक है? क्योंकि अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितना स्प्रेड हो रहा है, तो हम लोग एजुकेटेड लोग हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ठीक है? हम लोगों को ही लोगों को आगे लेके चलना है, ठीक है? हम जैसा करेंगे हमारे पीछे पीछे बाकी लोग भी करेंगे, तो ये मत सोचिए हमारे एक के करने से नहीं होगा, नो, आप एक करेंगे आपको देख के दो और करेंगे, दो को देख के चार और करेंगे, ऐसे बहुत से लोग समझेंगे, ओके? तो प्लीज टेक केयर, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। हाँ, काम है तो जरूर जाइए, बट बिना मतलब नहीं। अगर एक जने से काम हो सकता है तो प्लीज एक जना घर से बाहर जाइए, दो जने चार जने मत जाइए, ओके? बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ।